जादुई घास के घर का जादू। एक गांव में शंकर अपनी पत्नी गंगा और अपनी बेटी आराध्या के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। शंकर उस गांव में सबसे गरीब था, इसलिए वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता था, जिससे कि वह अपने परिवार को दो वक्त की रोटी खिला पाता था। ऐसे ही इस बार गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से एक दिन शंकर के घर की छत टूटकर नीचे गिर जाती है, और यह देखकर शंकर और उसकी पत्नी गंगा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि छत गिरने की वजह से उनके घर में बहुत तेज धूप आने लगती है, और इतनी तेज धूप में शंकर के परिवार वालों का घर में बैठना भी दुश्वार हो रहा था। इसलिए एक दिन गंगा शंकर से कहती है, सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? हम भला कब तक इस तेज धूप में बैठे रहेंगे? मुझसे तो अब यह गर्मी और बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हाँ पिताजी, मुझसे भी इस गर्मी में और बैठा नहीं जा रहा है। अब तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोगों को मिलकर फिर से यह छत बनानी होगी। पर हम कब तक ऐसे कच्चे मिट्टी की छत बनाते रहेंगे? वो हमेशा ऐसे ही हर महीने में टूट कर गिरती रहती है, तो भला हम कब तक ऐसे मिट्टी के छत बनाते रहेंगे? तो तुम ही बताओ गंगा, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इसके अलावा और कोई जरिया भी नहीं है, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम नया घर बनवा सके। पिताजी, आपको पता है, मेरी दोस्त अंजना के पिताजी ने घास का घर बनाया है, और वे सब लोग उसमें आराम से रहते हैं, और उसके पिताजी ने घास के घर को तो किराए पर भी चढ़ा दिया है। इनसे उन लोगों की अच्छी कमाई भी हो जाती है, तो क्यों ना हम भी ऐसा अपना घास का घर बनाए। उसके अंदर तो हम लोगों को गर्मी भी नहीं लगेगी, और हम लोग भी आराम से वहाँ पर रह पाएंगे। देखिए जी, मुझे लगता है आराध्या बिल्कुल सही कह रही है, तो चलिए हम भी ऐसे ही अपना घर बनाते हैं ना। इसमें तो हमें पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घास तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों को यही सही लगता है तो यही सही। इतना बोलकर वे तीनों लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं, और पूरे जंगल में घास का कोई नामो निशान नहीं होता। यह सब देखकर गंगा कहती है, सुनिए जी, हम लोग तो बहुत देर से चल रहे हैं इस जंगल में, पर अभी तक हमें पूरे जंगल में कहीं कोई घास नहीं नजर आई। अब हम लोग कहाँ से लाएंगे घास? तुमने सही कहा गंगा, और अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल की गहराई में कई जंगली जानवर रहते हैं, और वहाँ जाना हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। क्या, जंगली जानवर? हे भगवान, सुनिए जी, आप सही कह रहे हैं, हम लोग और आगे नहीं जाएंगे। चलिए हम लोग वापस घर चलते हैं, वैसे भी कुछ ही देर में शाम होने वाली है, फिर हमें यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा, इसलिए आराध्या बेटा चलो घर चलते हैं। इतना कहकर शंकर और गंगा वापस घर जाने लगते हैं, लेकिन आराध्या वहीं पर चुपचाप उदास खड़ी होती है, और आराध्या को इस तरह उदास देखकर शंकर बहुत परेशान हो जाता है, और वह कहता है, अरे आराध्या बेटा, चलो घर चलते हैं। पिताजी, अगर हमें घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। इतना कहकर वे तीनों लोग वापस जाने लगते हैं। उसी समय शंकर सोचता है, लगता है घास न मिलने की वजह से आराध्या बहुत दुखी है, और मैं अपनी बेटी को इस तरह दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। सुनो गंगा, तुम आराध्या को लेकर घर जाओ, मैं कल के लिए कुछ लकड़ियाँ काट लेता हूँ। वैसे भी आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं आया था। लेकिन जी, अब तो शाम होने वाली है, आप कल आ जाना लकड़ियाँ काटने, वैसे भी कुछ ही देर में यहाँ अंधेरा हो जाएगा, फिर आप वापस घर कैसे आएंगे? गंगा, तुम चिंता मत करो, मेरा इस जंगल में रोज का आना जाना है, इसलिए मैं आराम से वापस आ जाऊंगा, तुम लोग जाओ। शंकर की यह बात सुनकर गंगा आराध्या को लेकर वापस घर आ जाती है, और वहाँ शंकर जंगल की गहराई की ओर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की खुशी के लिए घास इकट्ठा करना था।
लेकिन उसे फिर भी दूर दूर तक कहीं भी कोई घास नहीं नजर आता है। शंकर डरते हुए जंगल की गहराई के और अंदर बढ़ता जाता है। अरे मैं जंगल के इतने अंदर तक आ गया, लेकिन मुझे फिर भी अभी तक आखिर इस जंगल की घास सारी कहाँ चली गई? शंकर इतना बोल ही रहा होता है कि उसी समय उसके पीछे एक शेर आ जाता है। हे भगवान, ये शेर अचानक कहाँ से आ गया? मुझे जल्दी भागना होगा। इतना बोलकर शंकर जंगल की ओर भागने लगता है। उसी समय उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वह घास के एक छोटे से गड्ढे में गिर जाता है। और घास के गड्ढे में गिरते ही शंकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह अपने घर के आंगन में घास के ऊपर ही बेहोश पड़ा होता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गंगा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी उस जंगल में था और ये घास ये यहाँ कहाँ से आ गई? अजी आप रात में ही तो ये घास लेकर यहाँ आए थे। लेकिन पिताजी इतनी से घास से भला हमारा घर कैसे बनेगा? आराध्या बेटा अभी तुम्हारे पिताजी बहुत थके हुए लग रहे हैं, हम इस बारे में कल बात करेंगे। चलो अब चलकर सो जाते हैं। इतना बोलकर वे तीनों अंदर सोने चले जाते हैं और कुछ ही समय में सुबह हो जाती है। और जब वे तीनों लोग बाहर आकर अपने आंगन में देखते हैं तो वो थोड़ी सी घास पूरे आंगन में फैल जाती है। यह देखकर उन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे गंगा ये हमारे आंगन में अचानक से इतने सारे घास कहाँ से आ गए? आखिर ये हो क्या रहा है? शंकर के इतना कहते ही अचानक से उस घास में से एक आवाज आती है, शंकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक जादुई घास हूँ, इसलिए तुम अब इस घास से अपने कई सारे घर बना सकते हो, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होऊंगी और ना कभी मुरझाऊंगी, इसलिए तुम अब बड़े आराम से अपने लिए घास के घर बना सकते हो। उस जादुई घास की बात सुनकर वे तीनों लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और फटाफट से मिलकर वह तीनों घास के सुंदर सुंदर कई सारे घर बना लेते हैं। और उनके घास के घरों को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और वह शंकर से कहते हैं, अरे शंकर ये तुमने इतने अच्छे घास के घर कैसे बनाए? यह तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ सच में यह घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। सुनिए शंकर भाई, क्या आप हमें भी अपना एक घर किराए पे देंगे? इसके बदले मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, इससे आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। हाँ शंकर भाई मुझे भी एक घर किराए पर दीजिए ना रहने के लिए। अच्छा ठीक है, आप लोग इस घर में रह सकते हैं। इतना कहकर शंकर अपने कई जादुई घास के घर गांव वालों को किराए पर दे देता है, जिसके बाद शंकर की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में शंकर अपने घास के घरों को पूरे गांव में फैला देता है और गांव के कई लोगों को घर किराए पर देने लगता है, जिससे शंकर धीरे धीरे उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। और इस तरह शंकर अपने परिवार के साथ बड़े ही आराम से अपना जीवन बिताने लगता है और उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती और वे लोग खुशी खुशी अपने जादुई घास के घर में रहने लगते हैं। हत्यारे भाई ने खाया अपनी बहन का मांस। ये कहानी आज से कई साल पहले की है, जब पुरुषों का काम सिर्फ जंगल में शिकार करना होता था और महिलाओं का काम शिकार का भोजन पकाना और घर के बाकी के काम करना था। उसी समय की ये बात है। मंगली नाम की एक लड़की अपने सात बड़े भाइयों की दुलारी बहन थी। मंगली अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी और उनका हर कहना मानती थी। मंगली का अपना सातों भाइयों के अलावा कोई नहीं था। एक दिन मंगली अपने भाइयों के लिए साग बना रही थी। इस साग को तोड़ने में तो काफी समय लग गया, जल्दी से अब इसे काट कर बना देती हूँ, भैया आने वाले ही होंगे। ये सोचकर मंगली जल्दी जल्दी साग काटने लगती है, तभी गलती से उसका एक उंगली कट जाता है और खून बहने लगता है। आह अब क्या करूं? अगर ये साग फेंकती तो भैया को भूखा ही सोना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसी साग को बना देती हूँ। ये सोचकर मंगली जल्दी जल्दी उसी साग को बना देती है और रात में जब उसके सातों भाई आते हैं तो वह वही साग अपने सातों भाइयों को खाने को देती है। अरे वाह बहन, यह साग तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, आखिर इसमें क्या खास मिलाया है?
हाँ भैया, हमने इससे पहले भी साग खाए हैं, लेकिन इस साग का स्वाद ही अद्भुत है। हाँ बहन, बताओ ना, तुमने ये साग कैसे बनाया और इसमें क्या क्या मिलाया है? ये सुनकर मंगली थोड़ी सी सहम जाती है। अब क्या करूँ, अगर भाइयों को उंगली कटने वाली बात बोलूँगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा बनाती हूँ बस वैसे ही बनाई हूँ। ये सुनकर सभी भाई खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन फिर उनके भाई ने मंगली को वैसा ही साग बनाने को कहा और अपने भाइयों के लिए मंगली ने फिर से वही साग बनाया, लेकिन इस बार उनके भाइयों को साग का पहले वाला वो स्वाद नहीं मिला। मंगली के भाइयों ने मंगली से 3-4 दिन लगातार वही साग बनाने को कहा, लेकिन उन्हें उस दिन वाला स्वाद नहीं मिला। मंगली के भाइयों के दिमाग पर उस दिन वाला स्वादिष्ट साग चढ़ चुका था और वह वही साग खाने के लिए बेचैन था। बहन, तू ठीक से याद कर, उस दिन साग में तूने ऐसा क्या मिलाया था जिससे साग इतना स्वादिष्ट बना था? उसके बाद मजबूर होकर मंगली ने डरते हुए अपने भाइयों से उंगली कटने वाली बात बता दी। सच्चाई जानने के बाद उसके बड़े भाई के मन में लालच आ गया और वो अपने बाकी के भाइयों से बोला, भाई अगर बहन का एक बूंद खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बात तो आप सही कह रहे हो भाई। यह आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, वो हमारी बहन है, हम भला उसकी मांस कैसे खा सकते हैं? तू चुप कर, दुनिया में जीवा स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब तो हमारी आत्मा बहन के मांस खाने से ही तृप्त होगी। इस तरह से छोटे भाई को छोड़कर बाकी के सभी भाई बहन को मारकर उसके मांस खाने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर मंगली दूर खड़ी अपने भाइयों की ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी और उसके आंखों से आंसू की धारा बह जा रही थी। हे भगवान, क्या सच में मेरे भाई मुझे मारकर खाने की इच्छा रखते हैं? मंगली चुप होने के बाद घर के कामों में लग जाती है और अपने भाइयों से कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन उसके भाई मंगली को भी अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं और एक लकड़ी के बने मचान के पास जाकर बोलते हैं, बहन तुम इसी मचान के ऊपर जाकर बैठ जाओ, तब तक हम शिकार करके आते हैं। यहाँ पर तुम्हें जंगली जानवर से भी कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है भैया। मंगली अपने भाइयों की नियत को भांप जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन मंगली अपने भाइयों के खातिर मचान पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके सातों भाई अपने तीर धनुष लेकर एक ऊंचे टीले पर जाकर अपनी बहन के ऊपर निशाना लगाते हैं। तभी वो तीर मंगली को ना लगकर उसके पास ही जाकर गिरती है। भैया अगर मारना ही है तो तीर इधर उधर क्यों छोड़ रहे हो, तीर को सीधा मेरे सीने में मारो। उसके बाद मंगली के 6 भाई बारी बारी से अपने तीर से मंगली के ऊपर निशाना लगाते हैं, लेकिन किसी का भी तीर मंगली को नहीं लगता है। मंगली फिर से उसी बात को दोहराती है, भैया मारना ही है तो तीर मेरे सीने पे मारो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। अब मंगली के सबसे छोटे भाई की बारी थी, जिसे अपनी बहन के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो अपने बाकी के भाइयों के डर से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। भैया प्लीज बहन को छोड़ दीजिए, वो हमारी बहन है, मैं ये नहीं कर सकता। देख जो कहा है वो कर, वरना आज बहन के साथ हम तुझे भी मार कर खा जाएंगे। उसके बाद उसका छोटा भाई उदास मन से तीर को अपनी बहन की तरफ ना मारकर दूसरी तरफ निशाना लगाता है। तभी बहन फिर से कहती है, छोटे भैया अगर मुझे मारना ही है तो तीर सीधे मेरे सीने में मारो। मंगली के इतना कहते ही छोटे भाई का तीर जाकर सीधा मंगली के सीने में लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी भाई बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई बहुत रोने लगता है। अबे अब तुझे क्या हुआ, लगता है कि हमें अब तुझे भी बहन की तरह ऊपर पहुंचाना होगा। चल अब जा, जंगल से जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके ले आ, ताकि हम इसे काट कर उसका मांस पका सके। पर याद रखना, आने में देरी हुई तो अच्छा नहीं होगा। छोटा भाई रोते हुए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उसके पास उस लकड़ियों को बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं होती है। तभी वहाँ एक नागिन आती है। तुम इस घने जंगल में क्यों रो रहे हो? क्या बताऊँ नागिन जी, मेरे भाई ने बिना रस्सी के मुझे जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा है। अगर मैं समय से लकड़ियाँ लेकर नहीं पहुँचा तो वो मुझे भी मेरी बहन की तरह मुझे मार डालेंगे। बस इतनी सी बात
तुम रोना बंद करो, मैं इन लकड़ियों को अपने शरीर से रस्सी की तरह बांध लेती हूँ। तुम जब अपने भाई के पास पहुँचोगे तो मैं वहाँ से फुर्ती से चली जाऊंगी, जिससे तुम्हारे भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद उसने वैसा ही किया। उधर उसके सभी भाई छोटे भाई के इस काम से हैरान थे कि कैसे उसका छोटा भाई बिना रस्सी के इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आ गया। अरे इन सब बातों को छोड़ो, अब इसे जल्दी से काटकर इसे पकाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद सभी भाई मिलकर मंगली के मांस को काटकर उसे पकाते हैं और रात में सभी भाई उसके मांस को बांटकर खाने के लिए बैठते हैं। तभी मंगली का छोटा भाई अपने भाइयों से छुपकर उस मांस को जमीन के नीचे गाड़ देता है। ये सब मंगली की आत्मा दूर से देख रही होती है। तभी जिस जगह पर मंगली के छोटे भाई ने अपनी बहन के मांस को गाड़ा था, वहाँ पर गुलमोहर का पेड़ उग जाता है और मंगली की आत्मा उस गुलमोहर के पेड़ में समा जाती है। इस घटना को कई वर्ष बीत जाते हैं। काफी दिनों बाद उस जंगल में एक लकड़हारा आता है। अरे ये गुलमोहर का पेड़ तो बहुत ही सुंदर है, आज तक ऐसा पेड़ मैंने नहीं देखा। इस लकड़ी की मुझे बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये सोचकर लकड़हारे उस पेड़ को काटने लगता है। तभी उस पेड़ में से एक सुरीली सी आवाज आती है। मत काटने लकड़हारे इस पेड़ को, ये पेड़ मेरे भैया ने लगाया है। अरे ये तो गाना गाने वाला पेड़ है, अगर मैं इसे काट कर इसका गिटार बना के बेचा तो मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। लकड़हारे उस लकड़ी को काट कर ले आता है और उसे गिटार बनाकर बेचने लगता है। तभी एक दिन मंगली का छोटा भाई बाजार से गुजर रहा था, उसकी नज़र उस गिटार पर जाती है। उसने उस गिटार को जैसे ही बजाया, उससे बहुत ही मधुर आवाज निकली जो बिल्कुल उसकी बहन की आवाज से मिलती थी। ये देखकर उसके छोटे भाई ने उस लकड़हारे को मुंह मांगी रकम देकर वह गिटार उससे खरीद लेता है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है और पैसे कहाँ हैं जो तुम आज शहर से लाने वाले थे? भैया उसका तो मैं ये गिटार ले आया। क्या ये मामूली से गिटार के बदले वो सारी सोने की असरफिया दे आया? अरे मूर्ख, मैंने तुझे उस दिन अपनी बहन के साथ मार दिया होता तो ही अच्छा होता। अब निकल जा मेरे घर से। उसके बाद उसका छोटा भाई उस गिटार को लेकर उस घर से निकल जाता है और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। जब भी मंगली का भाई उस गिटार को बजाता, उसे उससे अपनी बहन की मधुर संगीत की आवाज आती। उसके बाद मंगली का छोटा भाई गिटार को रखकर काम की तलाश में शहर जाता है। जब वो लौटकर घर वापस आता है तो देखता है कि उसका झोपड़ी एक अच्छे से मकान में बदल गया है और घर में खाने के लिए तरह तरह के पकवान रखे हैं और अलमीरे में भी खूब सारे पैसे रखे हैं। ये कैसे हो सकता है, जब मैं यहाँ से गया था तब तो यहाँ पर कुछ नहीं था, फिर ये सब। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गिटार पर जाती है और वो उसे लेकर बजाने लगता है और फिर अपनी बहन को याद करके सो जाता है। अगले दिन फिर जब वो घर से बाहर जाता है और जब वापस आता है तो देखता है आज फिर से घर में खाने के अच्छे अच्छे पकवान बने हैं और पूरा घर साफ सुथरा है और जूठे सारे बर्तन धुले हुए हैं। छोटा भाई खाना खाकर गिटार बजाकर सो जाता है। अगले दिन वह काम की तलाश में घर से निकलने का बहाना करता है और अपने ही घर में रखे एक अलमीरा के पीछे छुप जाता है। काफी देर हो जाने के बाद वह देखता है कि उस गिटार में से उसकी बहन बाहर आती है और वह घर के सारे कामों में लग जाती है। खाना बनाकर खाना परोसने के बाद उसकी बहन उसी गिटार में वापस जाकर समा जाती है। अरे ये तो मेरी प्यारी बहन है। बहन मैं तुझे एक बार खो चुका हूँ, इस बार मैं आपको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। अगले दिन फिर वह काम पर जाने का बहाना करके अलमीरा के पीछे छुप जाता है और जब उसकी बहन सारा काम करके वापस से उस गिटार के अंदर जाने लगती है तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उस गिटार को जल्दी से जला देता है। बहन मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकता, अब मुझे छोड़कर मत जाना। गिटार के जलते ही मंगली फिर से इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई बहन प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।